नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियां उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना परचम लहराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद उत्तर प्रदेश में भी सरकार बनाने की जुगत जुगाड़ में लगी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने बिजली, स्कूल, अस्पताल जैसे तमाम मूलभूत मुद्दों पर यूपी की तुलना दिल्ली से की। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतरीन अस्पताल बन सकते हैं तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? अगर दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर मोहल्ले में CCTV कैमरे लगाए जा सकते हैं तो यूपी में हर दिन हमारी बहनों के साथ दुष्कर्म क्यों होते हैं? केजरीवाल ने कहा, यूपी के लोगों को छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली आना पड़ता है। पुरानी पार्टी की गतिविधियों से उत्तर प्रदेश के लोग त्रस्त हो चुके हैं। दिल्ली में जैसी सुविधाएं लोगों को मिल रही है वैसी सुविधाएं यूपी में रहने वाले लोगों को क्यों नहीं मिल रही है? आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती है। अब ऐसे में देखना यह दिलचस्प होगा कि 2022 चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी किस तरह से चुनावी तैयारियां करती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव राज्य विशेष ही नहीं भारत की राजनीति में भी बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। देखते रहिए NBC हिंदी और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।